नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम के टाइम टेबल आए हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल आने वाले हैं, यानी कि एग्जाम्स का दौर चल रहा है। बहुत जल्द कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जब एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो बिल्कुल कुछ नोटिस हैं जो मुझे बताने जरूरी है, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे गलती अगर आप करते हैं ना, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं हर साल अपनी तरकीबें लगाते हैं, ध्यान रखें कि कैसे भी वो पास हो जाएं, और ऐसे तरकीबों से क्या होता है कि उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, ध्यान रखें, अगर वो इस चीज में शामिल हो जाते हैं, ध्यान रखें। तो आज जो गलती, जिस गलती के बारे में बताने वाला हूं, ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखना। दो चीजें आपको बताई गई है, ध्यान रखें। पहला वर्ड क्या है? सावधानियां। अगर गलती कर दिए तो परिणाम क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में भी आपको प्रूफ बताने वाला हूं कि अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो क्या क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रहे, कॉलेज एग्जाम 2024 की बात हो रही है, ये गलती कभी ना करें, ध्यान। कॉलेज एग्जाम में गलती कभी नहीं करें, साल खराब हो सकती है, बिल्कुल ऐसा होता है, ध्यान रखें। बहुत से विद्यार्थी जो इस वीडियो को देखने के बाद अपने उस समय को याद करेंगे, जो देख भी रहे होंगे, ध्यान रखें, पहले जिन्होंने गलती कर दी है कॉलेज एग्जाम में और अभी किसी क्लासेज में पहुंच चुके हैं, ध्यान रखें, लेकिन उन्होंने अगर ऐसी गलती की हुई है तो बिल्कुल यहां पर कमेंट छोड़ेंगे, उनको पता है उसको कितनी भारी गलती, मतलब कि उनको कर दी गई थी, उसके बाद में कितना समय उनका खराब हुआ। तो ध्यान रखें, कॉलेज एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम चल रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं यहां पर आपके चीटिंग केस, जिसको कि हम यूएम केस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखें। वे विद्यार्थी जिनके कुछ पेपर बैक चल रहे हैं या फिर जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा नहीं है पिछले कुछ समय में, अब उनको लगता है कहीं ना कहीं छोटा मोटा जुगाड़ करके कैसे भी कर हम तैयार कर सकते हैं कुछ भी ऐसा, और चीटिंग में शामिल हो जाएंगे, ध्यान रखें, उस तरीके से हम पेपर पास कर सकते हैं, ऐसा काफी विद्यार्थी मतलब कि सोचते हैं और करते भी हैं, ध्यान रखें। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले साल चीटिंग नहीं की, लेकिन उनके साथ ही विद्यार्थी जो चीटिंग करके गया और पकड़ में भी नहीं आया, ध्यान रखें, और फिर अब उसको कॉन्फिडेंस है, अरे यार वो ही नहीं करके गया था, वो करके गया था, मतलब ऐसा कुछ लिख के लेके गया था, उसने किया था ऐसा कुछ भी, अब मुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए, मेरे भी अच्छे नंबर आएंगे, फिर ऐसा कुछ भी ऐसा देखने को मिले, तो उन सभी चीजों से हटना है, ध्यान रखें, उन सभी चीजों से बचना, ये चीजें नहीं करनी है। परिणाम क्या देखने को मिल सकते हैं वो बातें आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखो सावधानियां, कहां कहां लगता है कि आपको यूएम केस देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करें, ध्यान रखें, यूएम केस से पहले की चीजों के बारे में बात कर लेता हूं कि पेपर देने से पहले भी किन चीजों से बचना है, ध्यान रखें। सोशल मीडिया का दौर है, ध्यान रखें, अत्यधिक विद्यार्थी गैस पेपर के जमाने में बहुत सी चीजें ऐसी शेयर कर देते हैं जो कि गलती करने को मिलेगी, ध्यान रखें। मैं कह रहा हूं आपके पास आपके मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, टेलीग्राम, कोई सा भी गैस पेपर आए, बिल्कुल किसी को शेयर नहीं करना है, ध्यान रखें। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे गैस पेपर हो चाहे कैसा भी पेपर हो, ध्यान रखें, शेयर नहीं करना है, ध्यान रखें, जो भी आ जाएगा जिसके पास भी, ठीक है, उन सभी चीजों से बचना है। गैस पेपर हो, मैन, क्या पता वो मैन पेपर ही हो जाए, ऐसा उसमें मिल जाए, गलती है ना कि आप शेयर करेंगे उसको, इन सभी चीजों से बचना है, ध्यान रखें। तो पहला जो पॉइंट इसमें आता है भैया, पेपर लीक वाली जो घटना है, ध्यान रखें, उन सभी चीजों से बचना है। काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, अब चलते हैं पेपर वाले दिन की बात आती है, कि जिस दिन पेपर होता है, पहले क्या होता था भैया कि हाँ, एक मिनट दो मिनट तक पहले तक एंट्री देखने को मिलती थी कॉलेजों में, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, 20 मिनट पहले आपके गेट बंद कर दिए जाएंगे, ध्यान रखें। कॉलेज एग्जाम में भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है, ध्यान रखें, थोड़े समय पहले वीडियो भी बनाकर आपको दिया था, ठीक वही चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान रखें, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि आप इंतजार करते रहें। काफी विद्यार्थी इंतजार करते हैं, 5 मिनट पहले पेपर आएगा, 20 मिनट पहले पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, इन सभी चीजों से बचना है भैया, ध्यान रखें। अगर आप ऐसे टाइम को 20 मिनट वाले पहले वाले रूल को आप छोड़ दिए, ध्यान रखें, तो गलती वहां भी होगी, और गलती से ध्यान रखें पकड़ में आ गए तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखें, और फिर यूएम केस लग जाएगा, ठीक है, ये बात होगी और जीवन खराब है वहां आप, तो ध्यान रखें। इसलिए समय से आपको सेंटर पहुंचना है, ये पेपर वाला जो सीन है, ध्यान रखें, पेपर से पहले आप घूमते रहते हैं कि 5 मिनट पहले पेपर आता है, आधे घंटे पहले पेपर आता है, उन सभी चीजों से बचना है, ध्यान रखें, दूसरी बात होगी। तीसरी बात करते हैं, ध्यान रखें, जब आप एग्जाम देने चले जाएंगे रूम के अंदर, ध्यान रखें, आपका जो पेपर होता है वो किसी को नहीं देना, ध्यान रखें, खुद के पास रखना होता है, ध्यान रखें, उस पर रोल नंबर लिखा हुआ बहुत अच्छे से खुद के पास रखना, अगर आपने इधर उधर भी पेपर को कर दिया, ध्यान रखो, अगर आपके पेपर पे आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं और दूसरे किसी के पास पाया गया वो पेपर, चाहे उसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा, ध्यान रखें, टीचर पे डिपेंड नहीं करता, वो टीचर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो मतलब उसको लगता है लिखा नहीं लिखा, उसने लिख दिया ना कि भाई इसने चीटिंग की, इसको लगा कि पेपर क्यों दिया आपने वहां पे, तो वो चीजें भी यूएम केस के अंदर आती है। तो ध्यान रखें, पेपर लेन देन नहीं करना है, ध्यान रखें, क्लास में, ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत लोगों के यूएम केस लगा हुआ है, मेरे पास मार्कशीट पहुंचती है,
और कितनी मार्कशीट पहुंचती है जब इंस्टाग्राम पर अपन जवाब देते हैं तो बिल्कुल आपको यह भी लग जाना चाहिए। मैं दिखाने वाला हूं मार्कशीट में क्या लिखा आता है, कितने लोगों का जीवन खराब हो चुका है, जाने के साल खराब हो चुकी है, कितने लोग आज वो बहुत पछताते हैं, उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं, कहते हैं कि थोड़े से दो मिनट के उसमें लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया, फिर दिक्कत हो गई, ध्यान रखें। दूसरा बात करते हैं कि यहां पर एक चीज और आपको बता देता हूं, पेपर आपके पास जो है, पहली बात तो उसको किसी को देना ही नहीं है, दूसरा बात अगर आपके पास अवेलेबल है आप रखते हैं ध्यान रखें, एग्जाम जब दे रहे हैं कॉपी है साइड में, पेपर आपके पास अवेलेबल, सोल्व कर रहे हैं ध्यान रखें, उस पेपर पे भी कुछ नहीं लिखना, केवल रोल नंबर लिखना है ध्यान रखें, कॉपी पे जो एंट्री करनी है वो लिखना, उसके अलावा ध्यान रखें आपको जो पेपर में पूछा गया है वो ही लिखना, इसके अलावा फालतू चीजें नहीं लिखनी ध्यान रखें, कहीं लगे पता कि आप पेपर शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे को, लगे कॉपी शेयर कर रहे हैं ध्यान रखें, वहां भी यूएम केस देखने को मिलेगा ध्यान रखें, तो कॉपी भी इधर उधर नहीं करनी है। दूसरी चीज आपको बताऊं, इन सभी चीजों पर अब नजर किसकी रहेगी, सवाल निकल के आता है यहां से, ये देखेगा कौन, कहते हैं कि कॉलेज में कैमरे बंद होते हैं नहीं चलते, या फिर जो भी चीजें हैं कुछ कॉलेजों में कमरों में कैमरे नहीं है ध्यान रखें, किसी को पता नहीं चलेगा ध्यान रखें। आज के न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख लीजिए, यहां पर क्या है, चीटिंग केस को लेकर ध्यान रखें, फ्लाइंग दस्ते बना दिए गए ध्यान रखें, हर कॉलेज में फ्लाइंग पहुंचेगी, बहुत कड़ी नकल कस दी गई है ध्यान रखें, किस चीज पे, पेपर लीक पे। इसलिए कह रहा हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए भैया, इस चीज को आप हल्के में ना ले, पहले गलती कर चुके हैं ध्यान रखें, अब पकड़ में नहीं आए ध्यान रखें, लेकिन अब गलती मत करना भैया, आप पकड़ में आ जाएंगे ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें आपकी भारी पड़ जाएंगी। इसलिए कह रहा हूं यूएम केसेस से रिलेटेड बातें यहां पर मैंने की है, चीटिंग नहीं करनी है, अंत में बात यही निकल के आती है ध्यान रखें। अब बात करते हैं परिणाम क्या होता है, वे विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का पेपर बैक हो जाता है ध्यान रखें, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो यूनिवर्सिटी उसको क्या करती है, उस पेपर को बैक कर देती है ध्यान रखें, साल खराब हो जाएगी, एक बार पेपर बैक हो गया तो दोबारा क्लियर करने में बहुत लफड़े हो जाते हैं, फीस भी डबल हो जाती है ध्यान रखें, और रिजल्ट पेंडिंग होता है ध्यान रखें, यूएम केस लिखा आता है ध्यान रखें मार्कशीट में, आरडब्ल्यूएम रिजल्ट रुक जाता है ध्यान रखें, ऐसा लिखा आता है अगर पकड़े गए थे ध्यान रखें, उसमें रेड पेन चल जाएगा, आपको पेपर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आरडब्ल्यूएम लिखा आएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर आएगा, लेटर आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर पे पहुंचता है ध्यान रखें, सबको पता चलेगा कि आपने चीटिंग की है, इसलिए बचना है इस चीजों से ध्यान रखें, नहीं करनी है, ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि चलो सेकंड ईयर का तो दूर रह गया, थर्ड ईयर का विद्यार्थी जब यूएम अगर गलती से पकड़ा गया, लगता है किसी विद्यार्थी ने पीजी का फॉर्म भरा एडमिशन का, नहीं हो पाएगा एडमिशन, क्योंकि यूएम लेटर नवंबर दिसंबर तक आएगा ध्यान रखें, यानी 6 महीने बाद तक आते रहते हैं। दूसरा बात करूं बीएड में कहीं उसके अच्छे परसेंटेज है लेकिन एक पेपर में चीटिंग करता पकड़ा गया और लग गया यूएम केस ध्यान रखे, फिर चाहे बीएड में कुछ भी हो रहा हो, चाहे पीटीटी में, चाहे 500 नंबर आ रहे हो 600 में से, नहीं हो पाएगा भैया एडमिशन, क्यों, यूएम केस लग गया भैया, इसका रिजल्ट बहुत लेट से आता है ध्यान रखे। इसलिए कह रहा हूं कहीं पे भी एडमिशन लेंगे, सीयूटी पीजी हुआ, बीएड हुआ, और भी कोई कोर्स आप करेंगे ध्यान रखे, नेट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, यूजी पीजी किसी भी क्लासेस की आप तैयारी कर रहे हो, यूएम केस ध्यान रखे, बहुत देरी से परिणाम आता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, यूएम लेटर आते हैं, लेटर लेट आते ध्यान रखें, घर पे पहुंचता है, उसको यूनिवर्सिटी जमा करवाना पड़ता है, उसके बाद में अगली कक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं ध्यान रखें, कुछ क्लासेज में क्या होता है पूरी क्लास बैक कर दी जाती है ध्यान रखें, फाइनल के विद्यार्थियों को ऐसे कैसे सप्लीमेंट्री निकाल दिया जाता है, सप्लीमेंट्री के में चीटिंग करते हुए पड़ा फेल कर दिया जाता है ध्यान रखें, कुछ मार्कशीट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, यूएम लेटर है ध्यान रखें जो पहुंचे, आपको लगता है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं कि पता नहीं कि न्यूज कटिंग को लेकर वीडियो बना दिया गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें, जिसका जिसने कर ली है यूएम ध्यान रखें, चीटिंग केस लगा है ध्यान रखें, उसको बहुत समस्या देखने को मिलती है, पिछले 6-6 महीने में लोगों के रिजल्ट नहीं आए ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, और मैं चैनल पर जब भी अवेलेबल होऊंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अवेलेबल होता हूं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आने वाले, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या फिर अन्य किसी एग्जाम में ध्यान रखें, तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे। बहुत जल्द आप सभी की एग्जाम शुरू हो रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की जैसे एग्जाम शुरू होंगे अपनी तैयारी करनी है ध्यान रखें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहीं सवाल लगता है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि यूएम केसेस एक ध्यान रखें ऐसा केस है जो कि बहुत परेशान आपको करता है ध्यान रखें, विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, काफी विद्यार्थी जो यूएम केस को झेल चुके हैं उनको पता है समस्या क्या है ध्यान रखें, और जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं जिनके यूएम केस पहले लगा है ध्यान रखें, कमेंट करना ध्यान रखें, बताना कि जिससे बाकी विद्यार्थियों को लगे कि हाँ ये चीज वास्तव में वीडियो बहुत जरूरी है ध्यान रखें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।